इस सेक्शन में हम लोग करंट मौसम में प्राइमरी और सेकेंडरी डिजिशन टेस्ट के मुतालिक और जनरली जो टेस्ट हम कमिश्निंग से पहले करते हैं सीडीज के, वो कमिश्निंग के बाद जब एनालाइज करते हैं हम चीज़ों को देखना चाहिए उसके मुतालिक सीखेंगे। तो करंट ट्रांसफार्मर के दो पार्ट्स हैं टेस्टिंग के, एक उसकी वायरिंग को चेक किया जाता है जिसको सेकेंड इंजेक्शन टेस्ट कहते हैं, और दूसरा उसको इटसेल्फ चेक किया जाता है प्राइमरी से इंजेक्ट करके करंट, जिसको हम प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट कहते हैं। तो पहले पार्ट के अंदर हम जो सी टी है उसका सेकेंडरी सर्किट वेरीफाई करते हैं, और उसके बाद हम एज अ प्रिंसिपल प्राइमरी पे करंट इंजेक्ट करके प्राइमरी सर्किट को वेरीफाई करते हैं। हमारे पास जो पैनल्स हैं नॉर्मली वो तो मीडियम वोल्टेज स्विचगियर के पैनल्स हैं जिनमें वायर लेंथ 4 से 5 मीटर से ज़्यादा नहीं होती, इसका मतलब है सेकेंडरी सर्किट बहुत शॉर्ट होता है। तो नॉर्मली एमवी स्विच गियर्स में मैंने देखा प्रैक्टिस के आप प्राइमरी इंजेक्ट करते हैं, साथ ही प्राइमरी इंजेक्शन सेकेंडरी इंजेक्शन रेशियो टेस्ट और रिले के ऊपर रीडिंग्स और ट्रिप टेस्ट इकट्ठा ही कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मली जो बड़े सबस्टेशन होते हैं हाई वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 132 kV 220 kV 500 kV जहाँ आपका यार्ड बड़ा है और वहाँ सिटी की सेकेंडरी की वायरिंग भी बहुत से पैनल से होती हुई गुजरती है और 300 मीटर से 500 मीटर तक जो है ना उसकी लेंथ हो सकती है सिटी वायरिंग की, तो इन दैट केस स्पेशली प्रोसेस ये होता है कि आप पहले सिटी की सेकेंडरी वायरिंग को टेस्ट कर लें, और सेकेंडरी वायरिंग को टेस्ट करने के लिए सेकेंडरी जंक्शन किट जो यूज़ की जाती है उसे हम सेकेंडरी वायरिंग के जो फर्स्ट पॉइंट होता है अवेलेबल आफ्टर सिटी जंक्शन पॉइंट आईडीडी उस पर आप करंट इंजेक्ट करते हैं। आप अनबैलेंस करंट इंजेक्ट करें 0.3 0.5 0.7 तो हर फेस पर आप अनबैलेंस करें डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट इंजेक्ट करते हैं, और आसानी से अगर आपके पास थ्री फेज इंजेक्शन किट है तो एट अ टाइम आप तीनों फेजेस को वेरीफाई कर सकते हैं अप टू द रिले, और अनबैलेंस जो करंट है वो न्यूट्रल में जा रहा होगा वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से सेकेंडरी लूप में आपने ये चेक करना है कि तमाम टर्मिनल्स प्रॉपरली टाइट हैं, वायरिंग एज पर ड्राइंग है, सिंगल पॉइंट अर्थिंग भी चेक कर लेंगे इस दौरान आप, और VA बर्डन भी आसानी से जब आप रेटेड चेक करेंगे तीनों पे बैलेंस लेटर ऑन रेटेड करंट तो आप रेटेड VA भी सीटी का देख पाएंगे। तो ये बेसिकली पार्ट्स हैं सेकेंडरीशन टेस्ट के, और सेकेंड जो पार्ट है जब आपने सेकेंडरीशन कर लिया है थ्योरेटिकली आइडियली फिर आप प्राइमरीजेशन पे जाते हैं। तो प्राइमरीजेशन टेस्ट के अंदर आप प्राइमरी साइड पे चेक करते हैं और आप ये वेरीफाई करते हैं कि जो प्राइमरी रेशियो सिलेक्शन है सीटी की दैट इज करेक्ट। तो अगर मल्टी रेशियो सीटीज है तो प्राइमरी में आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो आपने टैप सेलेक्ट की है उसके हिसाब से करंट बन रहा है नहीं बन रहा। अगर सिंगल रेशियो सीटी है तो आपको आप ये मेक श्योर करेंगे कोई हिजिंग साउंड नॉइज या कोई लूजिंग तो नहीं है कहीं सर्किट के अंदर। आप प्राइमरी जंक्शन में पोलैरिटी भी वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया प्राइमरी जंक्शन पोलैरिटी वेरीफाई होती है सीटीज की, सो प्राइमरी जंक्शन किट के साथ आप वेरीफाई कर सकते हैं पोलैरिटी। इसके अलावा जो इंजेक्शन टेस्ट आप पोलैरिटी अपने वेरीफाई कर ली, पोलैरिटी मार्किंग अपने वेरीफाई कर ली, प्राइमरीजेशन में आपने ये वेरीफाई कर लिया कि आपका सर्किट कंप्लीट है। तो इस प्राइमरीजेशन टेस्ट के बाद आइडियली कुछ भी आप टेस्ट नहीं करते हैं फर्दर, सर्किट को यूँ कह सकते हैं लॉक कर दिया जाता है, उसके बाद सीटी सर्किट को हाथ नहीं लगाया जाता कि एवरीथिंग इज वेरीफाइड एंड टेस्टेड। तो सेकेंडरी के अंदर प्रिंसिपली आपने वेरीफाई करनी है स्लाइडिंग एंड शॉर्टिंग लिंक्स, आपने वेरीफाई करना है VA बर्डन सिंगल पॉइंट अर्थिंग, आपने मैगर करना है सेकेंडरी वायरिंग बेसिकली टेस्ट कहलाता है वो आपने टेस्ट करना है। प्राइमरी के अंदर आपने मेक श्योर करना है कि कोई हीजिंग साइड नहीं है, आपकी अगर अनयूज कोर है वो ऑब्वियसली यू हैव टू मेक श्योर, और जो यूज कोर है उसमें आप अप टू द रिले वेरीफाई करते हैं रेशो पोलैरिटी एंड ऑल दीज थिंग्स। करंट ट्रांसफार्मर सीटी पोलैरिटी टेस्ट किस तरह से किया जाता है वो हम देख लेते हैं कि सीटी करंट आप अगर आप फेस टू एक इस मेथड में फेस टू फेस चेक करेंगे आप फेज वन में, और उस सूरत में न्यूट्रल में करंट जीरो होना चाहिए। तो ये वेरीफाई करता है कि आपकी पोलैरिटी सीटी टू सीटी पोलैरिटी ठीक है। अगर आप फेस टू फेस चेक कर रहे हैं और न्यूट्रल में करंट जीरो नहीं हो रहा या डबल हो रहा जितना आपने चेक किया है, मिसाल के तौर पर फेज सेकेंडरी में 1 एम्पियर है एक साइड पे रेड में और येलो में 1 एम्पियर आ रहा है सेकेंडरी साइड पे और न्यूट्रल में 2 एम्पियर आ रहा है, तो ये शो करता है कि पोलैरिटी आपकी गलत है। तो उसके लिए आपको पोलैरिटी टेस्ट इस तरह से किया जाता है। तो एग्जांपल ये दिया हुआ कि आप फेस टू फेस चेक कर रहे हैं रेड एंड येलो,
तो करंट आप ये रेड से निकल के येलो पे एंटर होगा और न्यूट्रल पे करंट जीरो होगा। ड्यूरिंग दिस टेस्ट आप ये भी बार चेक करेंगे कि आपका कोई ये जो लिंक्स है ये ओपन होने चाहिए, स्लाइडिंग लिंक्स, शॉर्टिंग लिंक्स ओपन होने चाहिए, क्योंकि अगर ये शॉर्ट है तो करंट सीटी से लेग तरफ नहीं जाएगा। सेकेंडली आपकी जो स्लाइडिंग लिंक्स है ये शॉर्ट होने चाहिए, अगर ये ओपन है तो सीटी ओपन हो जाएगा। तो ओपन सीटी जो है ना इट्स एन हैजर्ड और ये शुड बी अवॉइडेड एनी केस। सो ये देखें, अगर उसके बाद आप सिंगल फेज इंजेक्शन करेंगे, सिंगल फेज इंजेक्शन में आप प्रायोरिटी तो चेक नहीं कर सकते, लेकिन आप ये चेक करेंगे कि करंट आपका रेड फेज से ग्राउंड में जा रहा है। अगर ये रेड फेज के अलावा कहीं येलो भी स्पिल कर रहा है, इसका मतलब है कि सर्किट में मसला है और सर्किट को आपको चेक करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर ये लिंक मैं क्लोज कर दूं, यहाँ ये लिंक मैं यहाँ क्लोज कर दूं और फिर चेक करूं तो कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ यहाँ चला जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा दोनों के अंदर, तो जो कि नहीं होना चाहिए। तो अगेन यू हैव टू, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आपको फिर दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि आपका सर्किट ठीक है और वायरिंग आपकी प्रॉपर है। अब हम आ जाते हैं कमीशनिंग चेक्स पे। तो ये जो कमीशनिंग चेक्स है ये नॉर्मली फील्ड कमीशनिंग में टेस्ट एनर्जाइज करने से पहले किए जाते हैं, जिसमें आप वेरीफाई करेंगे सीटी की नेमप्लेट डेटा, सीटी स्लाइडिंग लिंक की पोजीशंस ठीक होनी चाहिए एज पर ड्राइंग, वो शॉर्टिंग लिंक्स आप ओपन कर दें, स्पेयर कोर्स की शॉर्टिंग लिंक्स आप लगे रहने देंगे, सीटी टर्मिनल जो है आपकी उसने टाइटनेस चेक करनी है, सिंगल सीटी सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट करना है, पोलैरिटी वेरिफिकेशन करनी है, सीटी वायरिंग जो है ना आपने चेक करनी है, इस पर ड्राइंग है, वीए बर्डन आपने चेक करना है, सीटी सिंगल पॉइंट अर्थिंग चेक करनी है, मैगर आपने चेक करना है करके, लेकिन रिले के टर्मिनल्स बाहर निकालने अनलेस रिले 500 वोल्ट ली सकती हो, चेक रिले सीटी रेशो, रिले के अंदर जो आपने रेशो डाला है वो करेक्ट है, क्योंकि ये फॉल्ट रिकॉर्ड्स के टाइम पे फिर आगे चेक आपको जरूरत पड़ेगी कि आपका जो फॉल्ट लेवल है वो रेशो से वेरीफाई होगा, तो मेक श्योर करें कि सीटी के अंदर भी रेशो करेक्ट है। उसके बाद डेट एंड टाइम करेक्ट करें रिले की, प्राइमराइजेशन टेस्ट आप कंप्लीट करें और उसके बाद आप ड्यूरिंग प्राइमराइजेशन टेस्ट आप मेक श्योर करें देयर इज नो हिजिंग साउंड और देयर इज नो स्पार्किंग और ऑब्जर्वेशन लाइक दैट। एनर्जाइज करने के बाद आपने क्या करना है, चेक एनर्जाइज करने के बाद आपने देखना है कि तीनों फेजेस में करंट बैलेंस है, प्राइमरी करंट भी ठीक आ रहा है और न्यूट्रल में करंट जीरो अगर बैलेंस कंडीशन के अंदर। सेकेंडली आपने देखना है, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि मैंने जगह जाकर विजिट किया और देखा कि जो नेगेटिव सीक्वेंस करंट है वो 100% था और पॉजिटिव सीक्वेंस जीरो था। तो ये सूरत में हो सकता है कि आपके या तो सीटी सेकेंडरी की वायरिंग स्वैप है या फिर प्राइमरी में केबल ही स्वैप है, तो ये भी आपने चेक करना है। जब भी फीडर रीएनर्जाइज होता है तो आप चेक करेंगे कि आपका नेगेटिव सीक्वेंस पॉजिटिव सीक्वेंस करंट्स भी करेक्ट है। अगर ये गलत आ रहे हैं तो ऑब्वियसली रिले मॉल ऑपरेट कर सकती है, मे बी द रिले का भी हमें नहीं पता उसमें किस तरह से काम करेगी रिले, नेगेटिव सीक्वेंस प्रोटेक्शन कितनी उसमें एक्टिव रहेगी, तो हमें मेक श्योर करना है कि आप करेक्ट पैरामीटर्स रिले को दें। इसके अलावा जब ऑन हो गया तो एबनॉर्मल साउंड आप चेक करेंगे सीटी सर्किट के अंदर, अगर कोई ऐसा सीन है एबनॉर्मल साउंड मिल रही है तो आप उसको इमीडिएटली शट डाउन करना पड़ेगा और शट डाउन आपको आप तमाम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हुए कि इलेक्ट्रिक की प्रॉपर आइसोलेशन अर्थिंग एसओपीज को फॉलो करते हुए परमिट रिकमेंड फॉलो करते हुए करेंगे और फिर आप उसको अटेंड करके रिस्टोर करेंगे सर्किट को। तो आप एट द एंड मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये ट्रेनिंग ऑनलाइन थ्योरेटिकल पार्ट अटेंड किया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे वो होगा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, आप इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू हो जाए ताकि जब आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हम अरेंज करेंगे कहीं फील्ड में या ट्रांसफॉर्मर स्विचगियर लेबोरेटरी या डीएनए के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेज, सो वहाँ हम इसको फिर प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।